गुड़गांव के लोकल गड्ढे हैं कितने। कहीं पर भी कोई बोर्ड आपको नहीं दिखेगा जहां लोगों ने मान लिया है कि यह स्वतः कूड़ा घर है, क्योंकि अगर आप इस डस्टबिन से लेकर सड़क तक जाएंगे तो महज 10 से 15 कदम की दूरी आपको मिलेगी। आप अभी हाईवे से जा रहे हैं, कैसा लगता है कि सड़क पर चलते चलते ऐसे डंप यार्ड दिखने चाहिए क्या? नहीं दिखने चाहिए, इससे पोल्यूशन फैलता होगा। जी बिल्कुल फैलेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? आपके पार्षद कुछ काम नहीं करते क्या? काम होता तो ये साफ सफाई होती। अच्छा, जो कुछ भी है यहाँ पे सब डॉक्टर साहब की जानकारी में पता है की साफ सफाई कराएं, लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं, रास्ते से जा रहे लोग वहाँ पे वॉशरूम करे, उसमें वॉशरूम का पानी फूक रहा है, डेंगू के पानी में होता है, डेंगू का कारण बनता है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह मिलेनियम सिटी गुड़गांव है और इस खबर को दिखाने का मकसद गुड़गांव की गरिमा को कहीं डाउन नहीं करना है, बल्कि आपको यह बताने की कोशिश है कि आखिर गुड़गांव के लोकल गड्ढे हैं कितने। कहीं पर भी कोई बोर्ड आपको नहीं दिखेगा कि यह नगर निगम का प्रस्तावित डंप यार्ड है जहां पर लोग अपना मलबा कचरा लाकर डाल सकें, लेकिन यह अघोषित खट्टर साहब के राज में ऐसा डंप यार्ड बनाया गया है जहां लोगों ने मान लिया है कि यह स्वतः कूड़ा घर है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को हो सकती है या ऐसे लोगों को हो सकती है जो लोग यह बोल सकते हैं कि पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या इस डस्ट से प्रदूषण नहीं बढ़ता होगा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इस डस्टबिन से लेकर सड़क तक जाएंगे तो महज 10 से 15 कदम की दूरी आपको मिलेगी। कुछ लोग रुके हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं, ऑटो पे खड़े खड़े शायद बता दें कि क्या है मामला, कैसा लगता है। आप अभी हाईवे से जा रहे हैं, कैसा लगता है कि सड़क पे चलते चलते ऐसे डंप यार्ड दिखने चाहिए क्या? नहीं दिखने चाहिए, इससे पोल्यूशन फैलता होगा। जी बिल्कुल फैलेगा। बिल्कुल फैलेगा। दिल्ली जब दम तोड़ रही है, गुड़गांव भी तोड़ रहा है, डेंगू से भी दवाई चलवा के लाए हैं, 8 दिन से बच्ची है डेंगू से। अच्छा, हाँ, रखा मेडिकल में, कुछ का भी लेना देना है डेंगू से, कुछ और कहीं गंदगी होगी तो डेंगू बनेगा, मच्छर होगा मच्छर होगा। तो रहते कहाँ है आप? नहीं रहते, झाड़ते भी झाड़ता में रहते। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? आपके पार्षद और कुछ काम नहीं करते क्या? काम होता तो ये साफ सफाई होती। विधायक जी क्या आप खुद ही समझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? खट्टर साहब को हो सकता है जानकारी ना हो कि ऐसा कूड़ा भी उनके यहाँ सड़क पे बना हो। सरकार खट्टर साहब की जानकारी में यहाँ। अच्छा, जो कुछ भी है यहाँ पे सब खट्टर साहब की जानकारी में है, पक्का पता है। खट्टर साहब यहाँ आते जाते रहते ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, छुपा नहीं है, सब दिखाया गया है, सब ओपन है। संजय की साफ सफाई कराएं, लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं, रास्ते से जा रहे लोग वहाँ पे वॉशरूम करे, उसमें वॉशरूम का पानी फूक रहा है, डेंगू के पानी में होता है, डेंगू का कारण बनता है। बड़ी बात है, धन्यवाद आपका। खट्टर साहब के लिए अगर इनकी आवाज समझ में आ जाएगी तो शायद इस कूड़े का इलाज हो जाएगा। हमारा तो मकसद साफ एक आवाज बनना है कि दिल्ली के चारों तरफ फैल रहे प्रदूषण का जिम्मेदार यह कूड़ा घर भी हो सकता है, और अगर सरकार और महकमा इस पे ध्यान देंगे तो शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी। ऑटो वाले भाई साहब सुन रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं, आप तो यहाँ ऑटो चलाते हैं, कितने देर से चला रहे हैं? हो गया कई साल, 5-6। तो क्या लगता है कि गुड़गांव जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा शहर, उतना यहाँ व्यवस्था है? उतना तो खैर नहीं है, उतना व्यवस्था तो नहीं है जितना होना चाहिए इसके हिसाब से। अब जब आप सड़क पे चल रहे हैं, आपके ठीक सामने सड़क से 10 कदम की दूरी पर यह डंप यार्ड है, कहीं बोर्ड तो नहीं लगा है कि नगर निगम का यहाँ कूड़ा घर है? अच्छा लगता है क्या ऐसा कूड़ा घर देखना? नहीं, ऐसे तो बेकार है, गंदगी तो अच्छी नहीं लगती है। तो क्या बोलेंगे सरकार से, लोगों से, नुमाइंदों से? जितना यहाँ पे ऑफिसेस है, जितना बड़ा यहाँ का सिस्टम है, उस हिसाब से इसकी साफ सफाई पे और पानी वानी बारिशों में भर जाता है, उस हिसाब से ठीक नहीं है व्यवस्था। तो मतलब सबसे ज्यादा कमाई वाला
जिला है ये हरियाणा का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो लगता है कि कमाई पर खटाई चल रही है। हाँ आप ऐसा ही समझो। तो कितना कितना तकलीफ होती है आपको जब आप धूल उड़ती है इस तरीके से? तकलीफ तो बहुत होती है पर क्या कर सकते हैं, सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा। सरकार को ध्यान देना, इनको भी पता है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ऐसे ही जिम्मेदार लोगों से बोलने से होती है। एक साथी और हैं, हम इनसे इसलिए पूछ रहे हैं कि सब कुछ सड़क पर है, यह लोकल गड्ढा या लोकल मुद्दा गुड़गांव की सड़क पर है जहां आप साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं। आप कब से चला रहे हैं ऑटो? 4 साल से चला रहे। 4 साल से? तो गुड़गांव में 4 साल से है जी। कैसा लगता है गुड़गांव में आपको? गुड़गांव तो ठीक ही है लेकिन इधर से थोड़ा कचरा बहुत ज्यादा होने लगा, कूड़ा वगैरह नहीं उठ रहा है इसीलिए बहुत बदबू आता है। तो जितना जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा क्या लगता है कि सरकार काम कर रही है? सरकार तो कर ही रही है लेकिन ज्यादा सफाई कर वगैरह ये सब नहीं हो रहा है इसीलिए बहुत बदबू आता है, कूड़ा आता है हर जगह फेंका हुआ है। तो आप सड़क पर हैं और ये कूड़ा आपके सामने दिख रहा है? ये कूड़ा है तो ये हवा चलती है, धूल भी उड़ता है, गाड़ी चलाने में आंखों में भी लग जाती है, इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सवारी चलती है, कभी आपको ऐसा लगा कि सवारी ने इस पे एतराज जताया हो कि किसने कूड़ा फैला दिया? सवारी तो एतराज जताते हैं कि बहुत कूड़ा है, बदबू आती है, थोड़ा राइट साइड से चला करो, लेकिन अब गाड़ियां चलती है तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में तो चलना ही पड़ेगा, कूड़ा है तो क्या करें। ऐसे कितने कूड़ा घर आपको दिख जाएंगे गुड़गांव में जो खुले तौर पर है? आप पूरे सेक्टर में चले जाइए, हर जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब लोकल गड्ढा हर जगह है? लोकल गड्ढा ये कूड़ा हर जगह पूरे शहर में पड़ा हुआ है। जब आप सड़क पर चलते हो तो सड़क में कितने गड्ढे मिलते हैं आपको? गड्ढा तो थोड़ा कम है लेकिन कूड़ा हर जगह ज्यादा पड़ा हुआ है, कूड़ा हर जगह। ये हमारे साथी, इनका भी मानना है कि सरकार जो कर रही लेकिन अधिकारी और बाकी लोग कहाँ हैं। खट्टर साहब के लिए इस ऑटो चालक की बात हो सकता है कि थोड़ी राहत भरी हो, लेकिन गुड़गांव का यह कूड़ा घर आने वाली तारीख में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के लिए लोकल गड्ढा साबित हो सकता है। अगर आप पार्षद हैं, जीते हुए हारे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपको लगता है कि ऐसे लोकल गड्ढे आपकी आबोहवा खराब कर रहे हैं, तो आप हमें मैसेज करें, अपना नाम नंबर डालें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका लोकल गड्ढा देश को दिखाएं। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, साथ ही विवेक आनंद त्रिपाठी के साथ गाँव की गूंज दिल्ली तक।